साजिश करें, आप कुछ भी कर लें, चंद दिनों के लिए आपका झूठ तो चल जाता है, हमेशा के लिए नहीं चल सकता। तो आज जिस तरह जज साहिबान ने नैब से सवाल किए और नैब के पास कोई जवाब नहीं था, मैं कोर्ट की कार्रवाई पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स से, मोहतरम रिपोर्टर से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आज कौम को ज़रूर बताएं कि किस तरह दूध पानी का पानी कर दिया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी और फैसले का और इंसाफ का इंतज़ार करूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। शुक्रिया। मरियम साहब क्या कहेंगी कि आज ऐसे इकबाल साहब ने कहा कि पांच हुकूमती वुज़रा के जो है मुस्लिम लीग के साथ रहते हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, समझते हैं कि वुज़रा की जानिब से भी इमरान खान के ऊपर इत्मीनान कर लिया गया, कब तक ये मामला तय कर लिए जाएंगे? देखें, बात यह है कि जब आवाम की जानिब से अदम इत्मीनान हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वुज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए। और इमरान ख़ान साहब की पार्टी वो पार्टी तो है नहीं जिसमें कोई आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं या कोई उनके साथ कोई उनकी लॉयल्टीज़ हैं या कमिटमेंट है, वो सब इक्तदार के साथी थे। और जब इक्तदार की कश्ती डोलती नज़र आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नज़र नहीं आएगी। मैं एक बात और करना चाहती हूँ कि इसका सबूत अभी अभी आपने फैसलाबाद में देखा है, तो मैंने तो बड़ी एहतराम के साथ अर्ज़ किया था, एक मशवरा दिया था कि अब जब आप आवाम में जाएँ इमरान खान साहब और उनकी जमात को, मैं आज दोबारा बड़ा मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ और वो ये है कि जब आप अब आवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें, भले आप ट्रक्स के ऊपर चढ़ जाएं, जहां भी चढ़ जाएं, आवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुंच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। जब आपने वोट को इज्जत देने का नारा लगाया था तो सब ये तवक्कु